हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस्पी फ्राइड फिश की रेसिपी। ये डिश बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से जूसी होती है। यकीन मानिए, इसका टेस्ट केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्रिस्पी फ्राइड फिश बनाने के लिए हमने 1.5 किलो फिश ली है। इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। देखिए, आप यहाँ पर किसी भी फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लिया है। इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून नमक। देखिए, नमक की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से भी मेज़र कर सकते हैं। सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून नींबू का रस। तो हमने 2 बड़े नींबू का रस निकाल कर इसमें ऐड कर दिया। अगर आप छोटे नींबू ले रहे हैं तो 3 नींबू का रस इसमें ऐड कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 3 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे तैयार किए हुए मैरिनेशन में हम फिश ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को हम फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले फिश पर अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से हमें हाथों की मदद से मसाले को फिश पर अच्छे से कोट कर लेना है। अब इसे ढक कर 4 घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसे फ्रीज में रख कर 1/2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, 4 घंटों तक फ्रीज में रखने के बाद हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें फिश के लिए कोटिंग तैयार करनी है, इसलिए हमने लिया है 6 टेबलस्पून रवा यानी कि सूजी, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कोटिंग तैयार कर ली। अब हमें फिश को इस पर रख कर इस तरह से इसकी दोनों तरफ अच्छे से कोटिंग अप्लाई कर लेनी है। देखिए, हम इसे ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे, हल्के हाथों से इस पर कोटिंग अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लेना है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें बाकी के सारे पीसेस पर इसी तरह कोटिंग अप्लाई कर लेनी है, लेकिन हल्के हाथों से कोटिंग अप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। फिश को डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके हम इसमें सारी फिश ऐड कर देंगे। अब हमें इसको लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए, इसकी साइड्स को चेंज करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। लो फ्लेम पर हम इसे एक तरफ से तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। देखिए, फिश को फ्राई करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई कर लिया तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और इनकी साइड्स को चेंज करने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो इनकी कोटिंग उतर जाएगी। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम बाकी की बची हुई फिश को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इनको सर्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।